अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। क्या दोस्तों आप अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं और दोस्तों आपको नहीं पता है कि फेसबुक डाउनलोड कैसे किया जाता है बगैर प्ले स्टोर के? तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़रा भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर दूसरा कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे फेसबुक एपीके डाउनलोड लिख देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिख करके सर्च करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला वाला जो वेबसाइट आता है सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर लें या फिर आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लेटेस्ट वर्ज़न का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है जो कि ग्रीन कलर के लाइन में है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ओके वाला बटन दबा देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका फेसबुक डाउनलोड होने लगेगा। सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर दें और उसके जस्ट बाद में आपको यहाँ पे डाउनलोड देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि अभी आपका फेसबुक डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फेसबुक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। सिंपली दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल का एक ऑप्शन आ जाता है। सिंपली दोस्तों आपको इंस्टॉल कर देना है। अभी ये इंस्टॉलिंग होने लगा है, अभी ये कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंडों में अभी ओपन का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं लिख करके आए, उससे पहले दोस्तों अगर आपको कुछ भी इनेबल करने के लिए बोले तो सिंपली आप उसे इनेबल कर दें। जैसे ही आप इनेबल करेंगे ना, तो दोस्तों उसके बाद में इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली दोस्तों आप उसे इंस्टॉल करके फिर आप अपने फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि ये फेसबुक अभी डाउनलोड हो चुका है, एक ओपन और एक डन का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली हम यहां पर डन करके बाहर आ जाते हैं या फिर बैक आ जाते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पे फेसबुक आ चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी ब्राउज़र से या फिर क्रोम ब्राउज़र से कैसे फेसबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।